100 रुपए के नोट में दो संगीन गलतियों की निशानदही, लेकिन क्या आपने कभी इस पर तवज्जो दी? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए है। 8 साल कबल मोहम्मद मोहसिन नामी इस शख्स ने 100 रुपए के नोट पर दो ऐसी चीजें मुशाहिदा की जो मोहम्मद मोहसिन की नज़र में गलतियां हैं। तहम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मोहम्मद मोहसिन की इस बात से इत्तफाक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि 100 रुपए के नोट पर ज़ियारत रेजिडेंसी की तस्वीर बनाई गई है और इसके साथ अंग्रेजी में कायद आजम रेजिडेंसी ज़ियारत क्वेटा लिखा गया है। मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि एक तो कायद आजम के स्पेलिंग गलत हैं, इसमें ई की बजाय आई आएगा और ये लफ्ज़ कायद आजम होगा और दूसरे रेजिडेंसी ज़ियारत क्वेटा लिखा गया है। हालांकि ज़ियारत क्वेटा से 130 किलोमीटर दूर एक अलग ज़िला है, लिहाजा ज़ियारत को क्वेटा में शामिल करना दूसरी गलती है। इसे ज़ियारत बलोचिस्तान लिखा जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मोहसिन ने इन गलतियों को दूर करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ महमूद और इस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को खतूत भी लिखे, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मामले पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि कायदे आजम ई और आई दोनों के साथ लिखा जाता है। कई दीगर नामों में भी ये लफ्ज़ ई के साथ लिखा गया है, जैसे कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी, कायदे आजम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वगैरह। दूसरी गलती पर आबिद कमर का कहना है कि नोटों पर जिन जगहों की तस्वीर बनाई जाती है, इनके करीब तरीन ऐसे शहरों के नाम साथ लिखे जाते हैं जिन्हें लोग बाखूबी जानते हैं, लिहाजा ज़ियारत का करीब तरीन शहर क्वेटा ही है जिसे पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं। जैसा कि 20 के नोट पर मोहनजो डोरो की तस्वीर है और इसके साथ लाड़काना का शहर का नाम लिखा गया है, चुनाचे ये भी कोई गलती नहीं है बल्कि दानिस्ता तौर पर ज़ियारत क्वेटा लिखा गया है। दूसरी तरफ मोहम्मद मोहसिन अपने इस दावे पर मसर हैं कि ये दो गलतियां हैं और इसका कहना है कि वो इन्हें दुरुस्त करवा के दम लेंगे।